हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे बीएमएस में एडमिशन मिलेगी? मुझे बीएमएस प्राइवेट करनी है, तो प्राइवेट के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए? क्या मैं एलिजिबल हूँ? अगर एलिजिबल हूँ तो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस होंगे? क्या फीस स्ट्रक्चर होगा? तो आज सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टॉप कॉलेजेस के अंदर प्राइवेट जो टॉप कॉलेजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जिनको गवर्नमेंट की देखनी है वो गवर्नमेंट वाली मेरे चैनल पर जाकर देख लें, टॉप 10 BMS गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टॉप BMS कॉलेज, लेकिन वो जो है प्राइवेट। प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, कितने मार्क्स आपको चाहिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, सारी की सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? आई नो अभी तक आपने किया नहीं, जाओ जल्दी जल्दी फटाफट, 1 मिनट लगेगा, सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, चले चलो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से आप एडमिशन ले सकते हो। देखो बच्चों, पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दे, चलो मैं आपको ये पहले बताता हूँ कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है? जनरल अगर EWS है उनको 137 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 137 मार्क्स से कम है, ठीक है ना, तो आप जो है एलिजिबल हो ही नहीं, आप कोई भी काउंसलिंग कर ही नहीं सकते। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, आप काउंसलिंग कर ही नहीं सकते। आप काउंसलिंग नहीं कर सकते इसका मतलब आप BMS नहीं कर सकते। कर सकते हो, आपका अब जो सोल्यूशन है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? और जो बच्चे OBC कैटेगरी से हैं उनको 107 मार्क्स चाहिए, SC ST को भी 107 मार्क्स चाहिए। इतने मार्क्स आपके पास होने कंपलसरी हैं अगर आपको काउंसलिंग करवानी है या BMS प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेनी है आराम से, ठीक है? तो क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जो काउंसलिंग करवाती है, और काउंसलिंग के लिए उन्हें क्या बोला, उन्होंने बोला कि नीट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, और नीट की मिनिमम जो कट ऑफ है हमारी वो इतनी है, यानी कि इतने मार्क्स आपके पास होने चाहिए कम से कम, ठीक है ना? कैटेगरी वाइज मैंने अब आपको बता दिया। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स भी नहीं है लेकिन फिर भी आप BMS करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यस, हाँ आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन वो कैसे कर सकते हो उसका आपको आंसर मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा, या थोड़ा रुक के पहले इस चीज की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा रीजन बता देता हूँ, ठीक है? अब बात कर ली, ठीक है? अब पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जिन जो भी बच्चों के मार्क्स इनसे ऊपर है, मतलब वो आप एलिजिबल हो, तो मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने काउंसलिंग करनी है। चाहे आपने ये नहीं सोचना कि मेरे नंबर बहुत कम है, मुझे गवर्नमेंट के अंदर सीट नहीं मिलेगी, मुझे सिर्फ प्राइवेट में ही सीट मिलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना? ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि अगर आपके नंबर बहुत, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बहुत बहुत ज्यादा लो है तो आप टॉप के कॉलेजेस से काउंसलिंग में ना भरें, ठीक है ना? जो मिड में कॉलेजेस आते हैं, थोड़े लो लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पे उनकी काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर थोड़े से कम है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जिन बच्चों के कम है या बहुत थोड़े से कम है, जिनको लगता है कि भाई मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, तो वो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस ना भरें। अपनी स्टेट के वाइज भरना चाहते हो तो स्टेट में जितने भी आपके टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको ना भरें। जो थोड़े लो लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो आप उनको फिलआउट जरूर करें। लेकिन आपने कहने का मतलब कि आपने काउंसलिंग जरूर करनी है। मैं किसी भी बच्चे को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने काउंसलिंग नहीं करनी, काउंसलिंग कंपलसरी है। आप हर बच्चा जो काउंसलिंग करेगा, ठीक है, सीट मिले ना मिले वो बाद की बात है, लेकिन काउंसलिंग जरूर करनी है, ठीक है? तो आपने काउंसलिंग करनी है सबसे पहले। क्या पता आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल जाए, राउंड 2 में कॉलेज मिल जाए, या फिर मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल जाए, तीनों में से नहीं कॉलेज मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला जो राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये प्राइवेट के लिए होता है, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो आप अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की, कोई चक्कर नहीं है, राउंड 2 में मिलेगी, नहीं चक्कर कोई नहीं, मार्क्स लो ही है वैसे भी, ठीक है, अगर मिलगी तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है? तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी होती, होप नहीं हारनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो राउंड 1 राउंड 2 में सीट्स भी छोड़ जाते हैं, ठीक है? कुछ किसी को मूड बदल जाता है, भाई BMS नहीं करनी, कुछ लोगों को कॉलेजेस पसंद नहीं आते, तो आपका लक है। तो अपने लक पे और अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि भाई नहीं कुछ नहीं होता। वैसे भी अब आपको पता है कि मुझे प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेनी है, लेकिन एक बार अगर काउंसलिंग कर लोगे, अगर किस्मत चमक जाए तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है? तो राउंड 1 राउंड 2 मोपअप राउंड, लास्ट वाला जो राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड, ये वाला प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, यानी जिनको हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो उनका एक दो ही कंडीशन होती है, एक कि मिनिमम आपके पास इतने नंबर होने चाहिए जिसके लिए आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओ। और ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, इनकी जो काउंसलिंग होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इनकी जो इनके अंडर नहीं आएगी, मतलब राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 इनका यहाँ पर प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑफलाइन करवाना चाहे ऑफलाइन भी करवा सकती है, ऑनलाइन करवाना चाहे तो वो ऑनलाइन भी करवा सकती है, और उनकी डेट जो है वो खुद ही इशू करते हैं, ठीक है? तो वो खुद की डेट जो खुद ही रिलीज करते हैं,
तो इसके ऊपर आपको जो है वहाँ यूनिवर्सिटी से ही पता करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में अंदर आप एडमिशन लेते हो। तो यूनिवर्सिटी का अपना अपना, हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होता है, कोई पहले करवा लेता, कोई बाद में करवा लेता, ठीक है। इतना प्रोसीजर आपको लगा समझ, ठीक है। अब इसके बाद में आपको बताता हूँ कि आपको टॉप कॉलेजेस कौन कौन से जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले नंबर पे है डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, जो कि पड़ती है आपकी पुणे में, ठीक है। ये सारे के सारे बीएमएस प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इनकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, मिनिमम मार्क्स इतने और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करेगा कि ऑफलाइन लेनी है या ऑनलाइन लेनी है और कब लेनी है। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जाके टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, जिस भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। नेक्स्ट है भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ये भी पुणे के अंदर है। तीसरे नंबर पर है एसडीएम हसन कॉलेज, जो कि पड़ता है बेंगलोर में। श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, जो ये भी बेंगलोर में ही है। नेक्स्ट है श्री धन्वंतरी कॉलेज, जो कि चंडीगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है केएलडी कॉलेज, कर्नाटका में पड़ता है। महात्मा गांधी आयुर्वेदा कॉलेज है, जो कि पड़ता है गुजरात में। ये कुछ मैंने टॉप के कॉलेजेस निकाले हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनको हम बोलते हैं, ये वो है। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। और बहुत सारे बच्चों के मन में एक अभी भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारे बच्चों को मुझे कमेंट भी आएगी, सर प्राइवेट कॉलेज की कितनी फी हो सकती है। देखो बच्चों, प्राइवेट कॉलेज की फीस जो वो कभी भी तय नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती, क्योंकि ये सारी की सारी प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इनकी फीस जो है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। तो कभी भी किसी भी कॉलेज की ये यूनिवर्सिटी की फीस तय नहीं होती, ये अपने हिसाब से फी तय करते हैं कि कितनी फीस लेनी है कितनी फी नहीं लेनी। लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता हूँ, ये जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब की फी है वो 3 लाख से प्लस ही मिलेगी आपको पर ईयर की, 3 लाख प्लस ही मिलेगी, ठीक है। फ्लक्चुएट होती रहती है, कम भी हो सकती है, मतलब 2.5 लाख भी हो सकती है। कंपलसरी नहीं है कि 3 लाख ही रहेगी, लेकिन मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट एवरेज बता दी कि ज्यादातर जितने भी इसमें कॉलेजेस हैं वो सबकी 3 लाख से प्लस ही आपको देखने को मिलेगी पर ईयर की। ज्यादा भी हो सकती है, 4 लाख भी जा सकती है, 4.5 लाख भी जा सकती है, हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। तो इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगी, 3 लाख से 2.5 लाख, 2 लाख, बस 2 लाख से तो मुझे लगता है कि ऊपर ही रहेगी। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आप अगर इस अगर आपके मार्क्स इतने नहीं हैं या फिर इन यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं। जी हाँ, और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको अपने स्टेट के हिसाब से पता करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो उस कॉलेज में कौन सा बीएमएस कॉलेज है, ठीक है। तो उस कॉलेज में क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा भी होता है। मैनेजमेंट कोटे में क्या होता है, कोई भी आपके नीट के मार्क्स नहीं देखे जाते, जिन बच्चों के नीट मार्क्स जो क्वालिफाई नहीं है लेकिन उन्हें बीएमएस करनी है, वहाँ पे नीट के मार्क्स नहीं देखे जाते। वहाँ पे आपने जाना है, डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उनको बोलना कि मुझे एडमिशन लेनी है। मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा भी बोला जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा या एनआईआर कोटा में मुझे एडमिशन लेनी है, मुझे एडमिशन दे दो। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करते ही वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगी। वहाँ पे कोई काउंसलिंग का प्रोसीजर नहीं होता, वहाँ पे कोई आपके नीट के मार्क्स नहीं देखे जाते, क्योंकि वो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा होता है, और उनकी फीस बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर वो कितनी फीस आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। और वो उनकी फीस भी मोस्टली भी 3 लाख से प्लस ही रहेगी, लेकिन वहाँ पे ये आपको बचाव हो जाएगा कि आपको किसी भी टाइप की काउंसलिंग नहीं करनी पड़ेगी और किसी भी टाइप का जो है नीट के मार्क्स नहीं दिखाने पड़ेंगे। ये भी नहीं वो पूछेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो, आपने काउंसलिंग की या नहीं की। तो विदाउट नीट भी आप बीएमएस जो है वो कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि हम बीएमएस विदाउट नीट कर सकते हैं या मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, तो आप बिना मार्क्स के कम, लेकिन उस कौन जो कॉलेजेस हैं ये प्राइवेट के प्राइवेट कॉलेजेस, ये आपको अपनी स्टेट में ढूंढने पड़ेंगे ये कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे आपको कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई मुझे मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा में एडमिशन लेनी है, तो आपके कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा है तो आप मुझे वहाँ पर एडमिशन दे दो, ठीक है। तो आई होप आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है आपसे कि हर बच्चा काउंसलिंग जरूर करे। सबसे पहला मेरी यही है कि आप काउंसलिंग जरूर करें, और सेकंड रिक्वेस्ट मेरी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।